रायपुर में आज पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की याद में एक सर्वधर्म सद्भाव सभा का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लेखन और विचार के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान था। राजनीति में जब आए तो फिर पीछे पलट के उन्होंने नहीं देखा। अनेक उतार चढ़ाव वो देखे लेकिन कभी उसको टूटते हुए नहीं देखा, कभी रुकते हुए नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ते रहे और हर परिस्थिति हर चुनौती को स्वीकार करते रहे। ऐसा अदम्य साहस और व्यक्तित्व धनी कोई दूसरा हम लोगों की नजर में कभी दिखाई नहीं पड़ता। सारी प्रतिकूल परिस्थिति के बाद उन्होंने आशा का दामन कभी नहीं छोड़ा, लगातार संघर्ष करते रहे। उनका जीवन हमेशा नौजवानों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ऐसा प्रेरणादायक उनका व्यक्तित्व रहा है, हर व्यक्ति उसे कुछ न कुछ सीख सकता है। ऐसे व्यक्तित्व के नहीं रहने से एक अपूर्णीय क्षति छत्तीसगढ़ को हुआ है, छत्तीसगढ़ के राजनीति में शून्यता आई है। छत्तीसगढ़ के वैचारिक क्षेत्र में जब कोई बात होती थी तो जो भी विचार सोचते, एक कौतूहल सबके मन में हुआ करती थी, अब उसकी पूर्ति शायद कोई कर पाए। जोगी परिवार को निश्चित रूप से नुकसान हुआ ही नहीं, हम सबको उसका नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, एक अपूर्णीय क्षति। लेकिन विधि की विधान के सामने हम सब तत्पस्तक हैं, लेकिन कोई बात जो इतनी स्थायी रहता है तो उनके जो कृतित्व है, उनके व्यक्तित्व है, उनके विचार है, वो हमेशा रह जाते हैं। नश्वर शरीर तो नहीं रहा लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे बीच रहेंगे। एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में हम सब इन्हें स्मरण करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में हम उन्हें स्मरण करेंगे। उस दौर को भी स्मरण करेंगे जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और सूखा का प्रभाव था। मुझे वो दिन भी याद है जब हम सब मंत्रिमंडल के शपथ लिए और 8 दिन तक के मंत्रिमंडल का विभागों का गठन नहीं हुआ था। फिर योगी जी मीटिंग लिए, मीटिंग में उन्होंने कहा कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है वो सूखा का, सूखा राहत का है, पेयजल की समस्या है। तो जो भी मंत्री इस विभाग को लेना चाहे वो मुझे पर्ची दे। उस मंत्री उन्हें दिए, 5-6 मंत्री जो थे उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। उसके बाद उन्होंने भोजन के बाद सेकंड हाफ में मुझे भी बुलाया अपने पक्ष में। उन्होंने पूछा, भूपेश तुमने नहीं दिया? मैंने उनसे कहा कि जिम्मेदारी मुझे मिलने वाली है इसलिए मैं नहीं दिया।